Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is supply curve and its slope. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा individual बनाया, हमने उसका table बनाई और market वाले भी और individual वाले भी. अब हम दोनों के diagram बनाएंगे. ठीक है, उसको diagram से आपने कैसे दिखाना है, सप्लाई कर्व की शेप कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव. ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए टेबल और इसका यहां पर डायग्राम. टेबल क्या होती है, सप्लाई और प्राइस का हमेशा ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइसेस कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी. ठीक है, कैसे होता है देखो, अगर किसी चीज के रेट आपको कम मिल रहे हैं, आप प्रोड्यूसर हो, कोई चीज बना रहे हो, आपको रेट कम मिल रहे हैं तो क्या करोगे, कम चीजें बनाओगे. आपको रेट ज्यादा मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, ज्यादा चीजें बनाओगे. ठीक है, आप बर्गर बनाते हो. ठीक है, अब बर्गर के प्राइस कितने हैं, 40 रुपीज. अगर आपको 40 रुपीज मिल रहे हैं तभी आप सप्लाई करोगे उसकी, तभी उसको बनाओगे. लेकिन अगर प्राइस ज्यादा मिले आपको, आपके पास क्या आ जाए, मैरिज का ऑफर आ जाए कि यहाँ आपने बर्गर बनाने हैं और आपको क्या मिलेगा, 50 रुपीज पर बर्गर, तो क्या करोगे आप, सप्लाई ज्यादा करोगे. ठीक है, इसका मतलब प्राइजेस कम, आपकी सप्लाई भी कम हो जाती है. प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है. क्लियर, अब देखते हैं टेबल. आपका इंडिविजुअल टेबल है, यहां पर सिंगल पर्सन का हम सप्लाई टेबल बना रहे हैं. प्राइसेस 5 रुपीज है तो आप सप्लाई नहीं कर रहे हो. क्यों, क्योंकि ये प्राइस बहुत कम है. ठीक है, प्राइसेस ज्यादा हो गए, आपने सप्लाई को ज्यादा कर दिया. प्राइसेस ज्यादा होते जा रहे हैं और सप्लाई भी ज्यादा होती जा रही है. ये टेबल हम पहले रीड कर चुके हैं. ठीक है, तो प्राइसेस जितने ज्यादा होते जाएंगे सप्लाई उतनी ही ज्यादा होती जाएगी. अब हम देखेंगे इसका कर्व. अब यहां देखो, आपने यहां लेनी है क्वांटिटी और इधर लेने हैं आपने प्राइसेस. ठीक है, जब प्राइसेस 5 रुपीज थे तो कोई भी सप्लाई नहीं हो रही थी. देखो प्राइसेस कितने हैं, 5, तो सप्लाई क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कोई कर उसका कोई पॉइंट आपको मिला ही नहीं. प्राइसेस 10, प्राइसेस 10, सप्लाई कितनी हो गई है, 10 की. इसका मतलब प्राइसेस 10 और सप्लाई 10, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया. ठीक है, पहले पॉइंट निकाल लो फिर लाइन ड्रॉ कर लेना. प्राइसेस 15, क्वांटिटी 20, प्राइसेस 15 और यहां ले आओ 20 पे, यहां एक पॉइंट बना दो. ठीक है, यहां से 15 को और यहां से 20 को मिला दो, क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको. फिर 20 और 30, प्राइसेस 20 और ये आपका क्वांटिटी 30, ये एक पॉइंट मिल गया. ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को अगर आप मिला देते हो तो ये, इसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, सप्लाई कर्व, या इसे हम कह सकते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. आपका एग्जाम में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इंडिविजुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ठीक है, या सिंपल सप्लाई कर्व. ठीक है, अब हम देखते हैं मार्केट. मार्केट का मतलब क्या होता है, जहां पर सेल करने वाले बहुत सारे होंगे, सप्लाई करने वाले बहुत सारे होंगे, आप भी कुछ बेच रहे होंगे, साथ वाला भी कुछ सेल कर रहा होगा, इसका मतलब उसी चीज को बेचने वाले क्या है, बहुत सारे हैं. तो उनको जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, मार्केट सप्लाई कर्व. ठीक है, इसमें क्या होगा, हम ए फॉर्म का और बी फॉर्म का दोनों की सप्लाई निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट
सप्लाई कर्व। ये आप पीछे टेबल समझ चुके हो, अब इसका देखते हैं हम यहां पर प्रेजेंटेशन, इसका कर्व कैसे बनाना है आपने। ठीक है, नहीं समझ में आती तो पिछली वाली वीडियो से आप ज्यादा क्लियर समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखो क्यू आपका जो ए फॉर्म का डायग्राम है एज इट इज हमने यहां बना दिया है। ठीक है, अब फॉर्म बी का डायग्राम हमने इधर बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, प्राइस चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, ये आपके हो गए प्राइस और यहां आपने ले ली क्वांटिटी। क्लियर, प्राइस कितने हैं 5, क्वांटिटी कितनी है 0, इसका मतलब ये लाइन आपकी नहीं बनेगी। प्राइस कितने हैं 10, क्वांटिटी कितनी है 5, प्राइस इज 10 और क्वांटिटी 5, ये पॉइंट आपके पास एक आ गया। ठीक है, प्राइस इज 15, क्वांटिटी 10, प्राइस पर जाओ, कहां दिख रहे हैं 15, ये रहा, ये 15 हो गया और ये आपको हो गया 10, एक पॉइंट यहां आपके पास आ गया। प्राइस इज 20, ठीक है, यहां थर्ड वाला ले लो या 15 और 10, ये आपका 15 और 10 हो गया, 20 और 15, ये आपका 20 और ये आपका 15, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। ठीक है, 1, 2, 3 पॉइंट आपके पास आ गए हैं। अगर तीनों को आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है, ये बी फॉर्म का सप्लाई कर्व। ठीक है, आप निकालना है मार्केट, मार्केट में क्या होगा, अगर आप ए बी को ऐड कर दोगे तो मार्केट बन जाएगा, सिंपल है ना। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, मार्केट वाला आपका शेड्यूल बन गया और यहां से आप निकालोगे मार्केट वाला कर्व। देखो प्राइसेस 5 है तो आपकी मार्केट क्या है, सप्लाई 0, एज इट इज यहां पर आप क्वांटिटी लोगे और यहां पर आप लोगे प्राइसेस। क्लियर, प्राइसेस 5, सेल आपकी कितनी है, सप्लाई कितनी है 0, तो ये लाइन आपकी नहीं ड्रॉ होगी। प्राइसेस 10 और ये 15, प्राइसेस पे आओ, ये रे प्राइसेस, प्राइसेस 10 और ये आपकी 15, ये पॉइंट आपके पास आ गया। प्राइसेस 15 और ये 30, प्राइस वाली लाइन ये वाली है ना, तो ये 15 और ये यहां से 30 दिख रहा है ना, 30, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। प्राइसेस 20 और ये 45, प्राइसेस 20 और ये आपका पॉइंट है आपका 45, ये आपका एक और पॉइंट आ गया। ठीक है, इन पॉइंटों को अगर आप मिलाओगे फ्री हैंड से तो ये क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व, कौन सा, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, ए और बी को आपने ऐड कर दिया, क्या निकल गया, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।